हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खिम नारंग। आज हम लेकर आए हैं टीजीटी बायोलॉजी 2016 का सॉल्व पेपर। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिए गए हैं उसकी के अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की बी को माना गया है। तो इसका आंसर होगा डिसेंट विद मोडिफिकेशंस, यानी कि संशोधन युक्त संतानें। क्वेश्चन नंबर टू, खाद्य जाल में लकड़ बग्घा तथा गिद्ध होते हैं, इन्हें फूड वेब हाइनेस एंड वल्चर्स आर। आप जानते ही हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता तो कंज्यूमर्स होते हैं, वे कंज्यूमर्स होते हैं जो मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। तो इसका आंसर ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, अपमार्जक, यानी कि स्कैवेंजर्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, द इक्वेशन लैक्टेट एलिडीन ग्लिसरॉल ग्लूकोज रिप्रेजेंट विच ऑफ द फ्लोविंग। समीकरण लैक्टेट एलालिन और ग्लिसरॉल ग्लूकोज निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा सी, ग्लाइकोन्योजिनेसिस। क्वेश्चन नंबर फोर, द फर्स्ट एंड द फाइनल माउल्ट इन द लार्वा ऑफ स्कैरिस अकर्स इन द। स्कैरिस के लार्वे में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन होता है। तो इसका आंसर होगा डी, इंटेस्टाइन। उसका फर्स्ट और जो अंतिम मोल्टिंग होती है वो होती है आंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर फाइव, ईयरलेस्ट एविडेंस ऑफ सोशल लाइफ आर एट्रीब्यूटेड टू। निम्न में से किसमें सामाजिक जीवन के शुरुआती साक्ष्य यानी कि प्रमाण पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, नियंडरस्थल मैन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऑफ द फ्लोविंग विच इज नॉट ए वेस्टिगियल ऑर्गन। निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। तो आप जानते हैं कि अकलदाढ़, अपेंडिक्स और टेलबोन, ये तीनों ही अवशेषी अंग हैं, जबकि बोन्स जो हमारी होती हैं यानी कि स्केलेटन जो हमारा होता है वो अवशेषी अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल। निम्न में से किसमें आहार नलिका नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा डी, टीनिया। क्वेश्चन नंबर एट, कैम प्लांट्स एट नाइट प्रोड्यूस। कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्रोमेटिड्स ज्वाइंटेड टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेट सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। अर्धगुण सूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सहोदर अर्धगुण सूत्र। क्वेश्चन नंबर टेन, इन लोम सॉइल द प्रपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल इज। दोमट मिट्टी में मर्दा कण का अनुपात होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 50% सैंड होता है 50% के लिए और सिल्ट और बोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 50% रेत और 50% मृतिका या सिल्ट या फिर दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोविंग इज फ्लाइंग फिश। निम्नलिखित में से किसको उड़ने वाली मछली कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्सोसीटस। क्वेश्चन नंबर 12, ऑफ द फ्लोइंग विच एनिमल्स एक्सहिबिट्स रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। निम्न में से कौन सा जंतु अवनतिशील रूपांतरण दिखाता है। तो इसका आंसर होगा बी, हर्डमानिया। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट्स आर फाउंड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक आर्टिकल ऑफ फ्रॉग फ्रॉम द फ्लोइंग। मेंढक के उस श्रावण और श्रोणी मेखला में निम्न में से किस प्रकार की संधि मिलती है। तो इसका आंसर होगा डी, बॉल एंड सॉकेट टाइप। क्वेश्चन नंबर 14, द बल्ड ऑफ फेरेटीमा इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण फेरेटीमा का रंग लाल होता है। तो इसका आंसर होगा, आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो इसका आंसर होगा इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 15, जीनोफोर इज द नेम ऑफ। जीनोफोर किसका नाम है। तो इसका आंसर होगा बी, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के डीएनए का। क्वेश्चन नंबर 16, इलेटर्स ऑफ मार्केंसिया आर। मार्केंसिया के इलेटर होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, डिप्लोइड एंड हाइग्रोस्कोपिक, द्विगुणित एवं आर्द्रता ग्राही। क्वेश्चन नंबर 17,
इन द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिशन वॉज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव में इस प्रथा के विचार को निम्न में से कहाँ से लिया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, टी आर माल्थस। क्वेश्चन नंबर 18, क्लेवेज इन फ्रॉग इज मेंढक में विदलन होता है, यानी कि मेंढक में विदलन यानी कि क्लेवेज किस टाइप का होता है? तो इसका आंसर है बी, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, यानी कि पूर्ण भंजी तथा असमान। क्वेश्चन नंबर 19, सोइल वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज कॉल्ड, पौधों के द्वारा अवशोषित मृदा जल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, कीसार्ड। क्वेश्चन नंबर 20, हु डिस्क्राइब्ड द एनुअल रेकरेंस ऑफ रट्स ऑफ व्हीट इन इंडिया, भारत में गेहूं के रेतवा रोग के वार्षिक पुनरावृत्ति का वर्णन किसने किया था? तो इसका आंसर है बी, केसी मेहता। क्वेश्चन नंबर 21, प्लेकिया स्टेजेज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लेकिया अवस्था किसके जीवन चक्र में मिलती हैं? तो इसका आंसर होगा बी, वोल्वॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, राइजोफोर इज फाउंड इन, राइजोफोर किस में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिलेजिनेला, राइजोफोर सिलेजिनेला में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में क्या सही नहीं है? आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछा गया है क्या सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, अकर्स ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि केवल ऑक्सीजन जीवों में होता है, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, इन पेलिमोन द स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विद इन विच अपेंडेज, पेलिमोन में संतुलानु किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, एंटीनुल। क्वेश्चन नंबर 25, ए न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, एक न्यूक्लियोसोम बना होता है, तो इसका आंसर होगा सी, डीएनए प्लस हिस्टोन से। क्वेश्चन नंबर 26, इफ ह्यूमन ब्लड मिक्स विद एन एंटीकोलेंट इज सेंट्रीफ्यूज्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग विल सेटल फर्स्ट एट द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज्ड ट्यूब, प्रतिस्कंदित मिश्रित मानव रक्त को यदि अब केंद्रीय किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम अपकेंद्रण नली के तल पर बैठ जाएगा? तो इसका आंसर होगा आर्थियोसाइट्स, यानी कि रक्ताणु। क्वेश्चन नंबर 27, द कोहार्ट ऑफ बेंथम हुकर इज इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट डे, बेंथम हुकर का कोहार्ट आज के किसके समकक्ष हैं? तो ये समकक्ष हैं गण यानी कि ऑर्डर के, तो इसका आंसर होगा बी, ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डैश इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर टू इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और टू सीक्रेट आउटसाइड द सेल, ये पूछना चाहते हैं कि किसका कार्य है द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोश के लक्ष्य तक पहुंचाना और कोशिका के बाहर सेक्रेशन करना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लोजी एपरेटस, यानी कि ग्लोजी काय। क्वेश्चन नंबर 29, डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है, तो इसका आंसर होगा डी, सिग्मोइड। अब गृही, क्वेश्चन नंबर 30, नीडियम ऑफ यूनियो आर ऑफ विच टाइप, यूनियो में कंकत क्लोम किस प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, यूलिमेरी ब्रेंक। क्वेश्चन नंबर 31, एंडोथीलियम इज रिलेटेड टू, एंडोथीलियम किससे संबंधित होती है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, इनर मोस्ट इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल, बीजांड के आंतरिक आवरण से। क्वेश्चन नंबर 32, टीएच मॉर्गन यूज्ड विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज वर्क ऑन जेनेटिक्स, टीएच मॉर्गन ने अपने सभी आनुवंशिक कार्यों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है ए, ड्रोसोफिला। क्वेश्चन नंबर 33, पुरकंजे फाइबर आर फाउंड इन, पुरकंजे तंतु उपस्थित होते हैं, तो इसका आंसर है सी, हार्ट में। ब्रूटाइडल टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल, ब्रूटाइडल ऊतक निम्न में से किस जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है? तो इसका आंसर होगा लीच, लीच यानी कि हिरुडोनेरिया। क्वेश्चन नंबर 35, इन ओरिलिया द एक्सेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स थ्रो, ओरिलिया में उच्छ्वसित जलधारा कहाँ से वापस आती है? तो इसका आंसर है ए,
पेरेडी एंड इंट्रेडी, यानी कि पेरेडिया और इंट्रेडिया से। क्वेश्चन नंबर 36, द लेथल जीनस आर लार्जली रिसेसिव, दे प्रोड्यूस इफेक्ट इन द डेथ स्टेट। प्राणघाती जीनस मुख्यतः अप्रभावी होते हैं, इसलिए वह किस अवस्था में प्रभाव उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, होमोजाइगस। प्राणघाती जीनस मुख्यतः तो अप्रभावी होते हैं, परंतु वो होमोजाइगस स्टेज में प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अपराइट पिरामिड, निम्नलिखित में से किसमें अपराइट पिरामिड पाया जाता है? तो इसका आंसर वैसे तो एनर्जी होना चाहिए, पर इसका ऑफिशियल आंसर की में आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलरी ऑफ स्टारफिश इज, तारा मछली के पेडिसिलरी का मुख्य कार्य है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्लीनिंग। क्वेश्चन नंबर 39, द टेल ऑफ द स्पर्म इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, शुक्राणु की पूंछ निम्न में से किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर होगा डी, सेंट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नकरणीय प्रदूषक है? इसका आंसर है डी, डोमेस्टिक सीवेज, यानी कि घरेलू मलजल। क्वेश्चन नंबर 41, मोटाइल सेल विद फ्लैजिला आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन, कसावयुक्त जल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है। तो इसका आंसर होगा ए, साइनोफाइसी में। क्वेश्चन नंबर 42, ए कैविटी फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैक्ट इन इक्विसीटम इज, इक्विसीटम के तने में प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं के विघटन से बनने वाली गुहा होती है। तो इसका आंसर है डी, कैराइनल कैनाल। क्वेश्चन नंबर 43, ऑफ द फ्लोइंग विच इज फिनोलिक हार्मोन, तो इसका आंसर होगा ए, एड्रेनलिन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द निपेलियस लार्वा, तो इसका आंसर होगा डी, श्रृंगिका तथा चिबुक दोनों द्विशाखी होते हैं, बोथ एंटनी और मैंडिबल्स आर बायरोमस, बोथ एंटनी एंड मैंडिबल्स आर बायरोमस। क्वेश्चन नंबर 45, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इज सलाइवा एक्ट इज ए लुब्रिकेंट, यानी कि लार स्नेह की तरह कार्य करती है, और सेकंड है सिलेवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज, यानी कि लार एमिलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट राइट हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा डी, 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, पायला इज अडेप्टेड टू लीड डेथ लाइफ, यानी कि पायला किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित है, अडेप्टेड है? तो इसका आंसर होगा सी, एम्फीबियस, यानी कि यह क्रैब की तरह ही एम्फीबियस नेचर प्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच फंगी कैन डिटेक्ट कॉपर एंड यूज्ड इन बायो एसेज, कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है और बायो एसेज में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इस पर जीलस नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, द एंजियोस्पर्म वर डेवलप्ड इन, एंजियोस्पर्म विकसित हुए थे, तो आप जानते ही होंगे कि एंजियोस्पर्म सिनेजोइक एरा में विकसित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिनेजोइक महाकल्प। क्वेश्चन नंबर 49, अबाउट 80% ऑफ द ग्लोम्यूलर फिल्टर्स इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द, कोशिकीय गुच्छे निस्पंदन का लगभग 80% पुनः अवशोषित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, प्रोक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूबल्स में, समीपस्थ संवलित नलिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ऑफ द इंसेक्ट विच टेक इट्स फूड आफ्टर लिक्विफाइंग, निम्न में से कौन सा ऐसा कीट है जो अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में ग्रहण करता है? तो इसका आंसर होगा ए, हाउस फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड एम्बर, निम्न में से कौन सा एम्बर कहलाता है? तो इसका आंसर है सी, UAG। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, निम्नलिखित में से कौन सा
प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं? तो इसका आंसर होगा बी, डाइऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, कार्बन गंधक तथा नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 53, ईसफ गोल इज ऑब्टेंड फ्रॉम, ईसफ गोल किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रिकनोज नेक्सवोमिका। क्वेश्चन नंबर 54, कैलिप्ट्रा इन मार्केंसिया डेवलप्ड फ्रॉम, मार्केंसिया में गोपक या कैलिप्ट्रा विकसित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाल ऑफ द वेंटर, अंडधानी की भित्ति से। क्वेश्चन नंबर 55, सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, विलय विभव सदैव होता है? तो इसका आंसर होगा ए, निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 56, सैपवुड इज आल्सो नोन एज, रस काष्ठ के नाम से इसे भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, एल्बर्नम, एल्बर्नम। क्वेश्चन नंबर 57, ऑर्किल ए ब्लू डाई इज ऑब्टेंड फ्रॉम, ऑर्किल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है? सिटेरिया आइसलैंडिका। क्वेश्चन नंबर 58, इन पी एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इज, मटर में दल का पुष्प विन्यास होता है? तो इसका आंसर होगा बी, वैक्सिलरी, वैक्सिलरी। क्वेश्चन नंबर 59, ऑफ द फ्लोइंग विच गैस प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 60, न्योपलाइना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, न्योपलाइना जोड़ने वाली कड़ी है? तो इसका आंसर होगा ए, मैंने इसकी बहुत ही अच्छी सी ट्रिकी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उसको एक बार ही देख लोगे तो आप कोई भी कनेक्टिंग लिंक नहीं भूलेंगे, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिकी वीडियोस करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एनिडा एंड मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 61, RHO फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA टू RNA मॉलिक्यूल्स इज ए, DNA RNA अणु के अनुलेखन में सम्मिलित तत्व होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ए वाइल्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड, कुछ जीव तापमानों के व्यापक प्रास यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं, ये कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, यूथर्मल, यूरीथर्मल। क्वेश्चन नंबर 63, ट्यूबल्स कनेक्टिंग टू सिस्टम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोकेटेड एट टू अपोजिट एंड्स ऑफ ए प्लाज्मोडेस्मोटा आर कॉल्ड, जीवद्रव्य तंतु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतर्द्रव्य जालिका की दो सिस्टर्नियों को जोड़ने वाली नलिकाओं को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, डेस्मोट्यूबल्स, डेस्मोट्यूबल्स। क्वेश्चन नंबर 64, द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के समस्त सजीव एवं निर्जीव घटकों के एकीकरण से बना तंत्र कहलाता है? इसलिए इसका आंसर होगा ए, इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 65, ऑफ द फ्लोइंग विच लार्वल स्टेज ऑफ फेसियोला डस नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वे, निम्न में से फेसियोला के किस डिंबक अवस्था से कई डिंबक नहीं होते? तो इसका आंसर होगा डी, सर्केरिया। क्वेश्चन नंबर 66, एन इंसेक्ट डेट प्रोड्यूस सेलैक इज, निम्न में से कौन सा कीट सेलैक उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लैकिफेरा लैका। क्वेश्चन नंबर 67, व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल, निम्न में से किस जंतु में व्हील ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, एम्फियोक्सिस। क्वेश्चन नंबर 68, चेलोजोगेमी फर्टिलाइजेशन अकर इन, चेलोगेमी निषेचन होता है? तो इसका आंसर होगा सी, कैजुरीना में। क्वेश्चन नंबर 69, क्विनिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया फीवर इज ऑब्टेंड फ्रॉम, मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयोग होने वाला क्विनिन प्राप्त होता है? तो ये तो आप जानते ही होंगे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा ए, बार्क ऑफ सिनकोना, सिनकोना की छाल से। क्वेश्चन नंबर 70, द डी सेल्स एंड D2F सेल्स ऑफ पेनक्रियास रेस्पेक्टिवली सीक्रेट सेक्रेट, अग्नाशय की डी कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रमशः स्त्रावण करती हैं? तो इसका आंसर होगा बी, पेनक्रियाटिक सोमेटोस्टेनिन एंड पॉलीपेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 71,
पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पंजिस इज ड्यू टू, किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता होती है? तो इसका आंसर होगा सी, आर्कियोसाइट के कारण, ड्यू टू आर्कियोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 72, विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम हैज सिम्बियोटिक एल्गी जू क्लोरिला? तो इसका आंसर होगा डी, ब्रूसेरिया, ब्रूसेरिया। क्वेश्चन नंबर 73, हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम? परिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है बी, ब्रॉन। क्वेश्चन नंबर 74, द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कंपोज्ड ऑफ, यूग्लिना का हरित लवक किसका बना होता है? तो इसका आंसर होगा डी, क्लोरोफिल ए बी एंड बीटा कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 75, होमोलॉगी इंडिकेट्स समजातता किसको प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर होगा कॉमन एंसेस्ट्री एंड डाइवर्ट इवोल्यूशन दोनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस? अर्धसूत्रण के प्रोफेज फर्स्ट में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा डी, सेग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 77, गेमिटेंशियल कोपुलेशन इज कॉमन इन, युग्मक धानीय संयुग्मन सामान्यतः पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, जाइगोमाइसिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यूज इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लोइड? साइकस के बीजाणु में निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लोइड है? तो इसका आंसर होगा सी, एंडोस्पर्म, जिसको भ्रूणपोष भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सम स्पीसीज हैव नो क्लियर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड, कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता है, यह कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, यानी कि अवशेषी अंग। क्वेश्चन नंबर 80, क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ, क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, RuBP कार्बोक्सिलेज, यानी कि रूबिस्को कार्बोक्सिलेज। क्वेश्चन नंबर 81, एक्टिनोस्टील इज फाउंड इन, एक्टिनोस्टील किस में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइकोपोडियम सेरेटम। क्वेश्चन नंबर 82, द फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, द्विनिषेचन की परिघटना को सर्वप्रथम देखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, SG नवासीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83, इन स्कैल्यूडोन द वर्क ऑफ एम्पुली ऑफ लोरेंजिनी इज, स्कैल्यूडोन में लोरेंजिनी की एम्पुली का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर होगा बी, थर्मोरिसेप्टर, ताप सुग्राही। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बर्ड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच? तिलचट्टा के रुधिर संवहन तंत्र विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, स्पंदी कोष अनुपस्थित हैं, पल्सुटाइल वेसिकल्स अब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 85, इलेक्ट्रो न्यूट्रैलिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय द, रक्त में विद्युत तटस्थता बनाए रखी जाती है? तो इसका आंसर होगा ए, हैम्बर्ग फिनोमिना, हैम्बर फिनोमिना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, ऑफ द फ्लोइंग हु डिस्कवर्ड पोलिटीन क्रोमोसोम्स? पोलिटीन गुणसूत्र की खोज निम्न में से किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ए, E.G. बाल्पियानी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑफ विच डे? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, June 5। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डाइसेक्राइड और ग्लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 89, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स रूट नोडल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम? निम्न पौधों में से किसमें मूल ग्रंथियां राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केजुराइना ग्लाइका। क्वेश्चन 90, इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज इंक्लूडेड इन, भारतीय उपमहाद्वीप को किस में सम्मिलित किया जाता है? नी आर्कटिक रीजन। क्वेश्चन नंबर 91, द माउथ पार्ट्स ऑफ मेल मॉस्किटो डू नॉट हैव, डू नॉट
आप ध्यान रखेंगे कि पूछ रहे हैं कि नर मच्छर के मुखांग में निम्न में से कौन सा नहीं होता है, तो इसका आंसर है ए, मैक्सिली और मैंडिबल। क्वेश्चन नंबर 92, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजिशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो कोलेरा इज, कसाबिक की संख्या एवं स्थिति के आधार पर विब्रियो कोलेरी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोनोट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 93, लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिसीज इज कॉज्ड बाय, पपीते का पर्ण कुंचन यानी कि लीफ कर्ल रोग होता है, तो इसका आंसर होगा बी, वायरस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, नर्व सेल्स आर फाउंड इन, नर्व कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, रिक्सिया। क्वेश्चन नंबर 95, द डिसीज सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, सिट्रस कैंकर नामक रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, विच वन ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा, निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होगा बी, ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 97, द सिनोसारक ऑफ ओबिलिया इज, ओबिलिया में सिनोसारक होता है, ट्यूबुलर एंड लिविंग, नलीदार और जीवित। क्वेश्चन नंबर 98, इन ए टिपिकल टेस्ट क्रॉस ए प्लांट सोविंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद ए प्लांट सोविंग डैश फिनोटाइप, एक आदर्श परीक्षार्थ संकरण में प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का किस फिनोटाइप वाले पौधे से संकरण कराया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, रिसेसिव यानी कि अप्रभावी। क्वेश्चन नंबर 99, द प्रेजेंस ऑफ बोन इज एन यूनिक कैरेक्टर ऑफ, अस्थि की उपस्थिति बेजोड़ लक्षण है, मतलब अस्थि किस में पाई जाती है, मेन इनका क्वेश्चन है अस्थि किस में पाई जाती है, तो इसका आंसर है डी, वर्टिब्रेटा। क्वेश्चन नंबर 100, इन विच फ्रॉम द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज डिस्कार्डेड बाय द नेफ्रिडिया ऑफ नेरीज, नेरीज अपने नाइट्रोजिनस अपशिष्ट किस रूप में निफ्रीडिया से बाहर निकालता है, तो इसका आंसर होगा ए, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एसेंशियल फॉर फ्रूट राइपनिंग, इनमें से कौन सा फल पकने हेतु आवश्यक होता है, ये आप सभी जानते होंगे कि नेचुरली फ्रूट पकने के लिए इथाइलिन एसेंशियल होता है, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 102, बोटनिकल नेम ऑफ रोजवुड इज, रोजवुड का वानस्पतिक नाम है, इसका आंसर होगा ए, डलबर्जिया रेटिफोलिया। क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से कौन लाइकेन है, विच इज लाइकेन, तो इसका आंसर होगा सी, आइसलैंड मॉस। क्वेश्चन नंबर 104, ए मोनोकोट सोविंग एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीम इज, एक बीजपत्री जिसके तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ड्रेसिना। क्वेश्चन नंबर 105, कॉमन रॉक पिजन डज नॉट बिल्ड नेस्ट ऑन, सामान्य रॉक कबूतर घोंसला नहीं बनाता है, तो आप जानते हैं कि नॉर्मली जो कबूतर है वो घरों में या फिर किलों में या पत्थर की दीवारों में घोंसला बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 106, वन ऑफ द फ्लोइंग एसिड्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एस्पर्जिलस नाइजर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एस्पर्जिलस नाइजर से उत्पादित नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा सी, गैलिक एसिड। ग्रिडल्ड लीफ ट्रेसेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रिडल्ड लीफ ट्रेसेस किसका विशिष्ट लक्षण है, आंसर है ए, साइकस। क्वेश्चन नंबर 108, इन ए माइक्रोस्पोंजियम टैपिटम इज जनरली डैश लियर्ड, एक लघु बीजाणुधानी में टैपिटम सामान्यतः किस स्तर का होता है, तो इसका आंसर है ए, 1। क्वेश्चन नंबर 109, ऑफ द फ्लोइंग विच क्लासिकल एग्जाम्पल वाज used by Lamarck to prove his theory of acquired character and inheritance, Lamarck ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण को प्रयोग किया था, तो आप ये सभी जानते होंगे कि Lamarck ने अपना जो थ्योरी दी थी वो जिराफ के ऊपर दी थी, तो इसका आंसर होगा बी, जिराफ। क्वेश्चन नंबर 110, द सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव्ड बाय, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका अंगक गतिमान किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्टिन तंतुओं तथा सूक्ष्म नलिकाओं दोनों के द्वारा, बोथ एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबल्स। नंबर 111, यूरोमैस्ट्रिक्स इज कॉमनली नोन एज, यूरोमैस्ट्रिक्स का सामान्य नाम है, तो इसका आंसर होगा बी, स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरस, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है, तो ये रॉन्ग होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी,
वायरस आर सेप्रोफाइटिक विषाणु मर्तोपजीवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 डैश इज ए सिंथेटिक ऑक्सीजन, एक कृत्रिम ऑक्सीजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नेफ्थेलीन एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 114 क्वाड्राफ्लिजलेट कंडीशन ऑफ जू स्पोर इज फाउंड इन, चतुष्कसाबीय जल बीजाणु यानी कि जू स्पोर कंडीशन किस में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ए यूलोथ्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 115 द ओवलीफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ, पाइनस का बीजांडी सल किसका हिस्सा है, तो इसका आंसर होगा ए मेगा स्पोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 116 विच ऑफ द फ्लोइंग एरा इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल, निम्नलिखित में से किसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सीनेजोइक एरा। क्वेश्चन नंबर 117 प्रोसेस ऑफ गेस्टुलेशन इन फ्रॉग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एम्फियोक्सिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, निम्न में से किसके कारण मेंढक का गेस्टुलेशन एम्फियोक्सिस के गेस्टुलेशन से अधिक उलझा हुआ होता है, इसका आंसर होगा बी पैसिव मैक्रोमियर निष्क्रिय वृहत कोरक खंड के कारण। क्वेश्चन नंबर 118 ए सेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड इन, किसमें अलैंगिक बीजाणु सामान्यता नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ए एगेरिकस। क्वेश्चन नंबर 119 मॉर्फोलॉजिकली एंट अमीबा हिस्टोल्टिका अकर्स इन हाउ मैनी डिस्टिंक्स फॉर्म, संरचना के अनुसार एंट अमीबा हिस्टोल्टिका कितने पृथक रूपों में मिलता है, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 120 द कोज ऑफ सेरिब्रल मलेरिया इज, पर मस्तिष्क मलेरिया का कारण है, तो इसका आंसर होगा बी प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। नंबर 121 मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन थैलस ऑफ, रूपात्मक द्विरूपता मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म किसके थैलस में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी ओडोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 122 इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन परफॉर्म्ड बाय, लाइकेन में लैंगिक जनन का संपादन होता है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा ए फंजाई ओनली। क्वेश्चन नंबर 123 इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, उल्टा वलकुटीय संवहन बंडल में मिलता है, यानी कि उल्टा इंटरवर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल किस में मिलता है, तो इसका आंसर होगा बी निक्टेंथस। क्वेश्चन नंबर 124 इन विच ऑफ द फ्लोइंग फैमिलीज द कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू ए पेपस, निम्नलिखित में से किसके कुल में बाह्य दलपुंज पेपस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसका आंसर होगा सी कंपोजिटी। क्वेश्चन नंबर 125 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज रेंडियर मोस, निम्नलिखित में से किसे रेंडियर मोस के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा सी क्लेडोनिया रेंगिफेरा।